हेलो दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय कुमार झा है। मैं यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में पीजी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में गेस्ट फैकल्टी हूँ। मैं आप लोगों को आज एक टॉपिक समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है केरोजेन कंपोजिशन एंड टाइप्स। आप लोग पेट्रोलियम से भलीभांति परिचित होंगे। पेट्रोलियम, जी हाँ, जिसका उपयोग गाड़ी चलाने में और बहुत सारे कामों में होता है। केरोसिन बनता है, पेट्रोल बनता है, नेचुरल गैस बनता है, वैक्स बनता है, टार बनता है, वही सारी चीजों में उसका उपयोग होता है। पेट्रोल को बनाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो वो होता है केरोजेन। केरोजेन से ही पेट्रोल बनता है। आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि इस केरोजेन में क्या चीजें होती हैं, इसका कंपोजिशन क्या होता है, किस चीज से ये बना होता है और केरोजेन कितने तरह के होते हैं। हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। केरोजेन का इंट्रोडक्शन, केरोजेन और बिटुमेन में क्या अंतर है, कितने तरह के केरोजेन होते हैं और कुछ रेफरेंसेज जो मैंने अपने स्लाइड को बनाने में यूज किए हैं। क्या है केरोजेन? ऑयल या नेचुरल गैस क्या होता है, अंदर जमीन के अंदर बनता है। तो वहां पुराने समय में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जमा हुए, वो ऑर्गेनिक मटेरियल जमा होकर एक कॉम्प्लेक्स रूप लिए टेम्परेचर प्रेशर की वजह से, उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, वो सभी के वजह से वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना। तो वही नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक मैटर जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे मेथेन, एथेन, ये सभी से एक्सट्रैक्टेबल नहीं होता है और जो कि मैचुरेशन के साथ यानी पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बढ़ने के साथ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर सकता है, उसी चीज को केरोजेन बोलते हैं। जनरली केरोजेन में बनाने के लिए जो उत्तरदायी एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं अल्गी या पेड़ पौधे के छोटे चीज जैसे रेजिन हो गया, फिर क्यूटिकल्स हो गया, स्पोर हो गया, यही सभी। हम लोग जानते हैं कि केरोजेन अलग चीज है, बिटुमेन अलग चीज है। तो केरोजेन और बिटुमेन में क्या अंतर है? तो जैसा आपने समझा सुना, केरोजेन इज एन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सेडिमेंटरी रॉक। तो ये दोनों सेडिमेंटरी रॉक में प्रेजेंट होता है, लेकिन केरोजेन जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, जबकि बिटुमेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। और बिटुमेन जनरली काले कलर का होता है और टार जैसा होता है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप का, और ये फ्लेम के साथ चलता है। बिटुमेन में जनरली हैवियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। विटामिन बहुत जगह बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है और इसका यूज पेमेंट्स और रोड वगैरह बनाने में होता है। केरोजेन एक सब्सटेंस है जिससे कि पेट्रोलियम बनता है और पेट्रोलियम का बनने का बाय प्रोडक्ट विटामिन, यानी लास्ट में पेट्रोलियम बनने के बाद थर्मल क्रैकिंग होने के बाद जो लास्ट में टायर सब्सटेंस बचता है वो बिटुमेन कहलाता है। तो केरोजेन से नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉर्म्स, इसमें छोटे बड़े सभी तरह के हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं और ये ऑयल बनने के लिए उत्तरदायी होता है। तो केरोजेन कितने तरह के होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर और जिस तरह के मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल से ये बना हुआ है उसके आधार पर अगर हम बांटें तो केरोजेन तीन तरह के होते हैं, टाइप वन केरोजेन, टाइप टू केरोजेन एंड टाइप थ्री केरोजेन। इसके लिए हम जनरली हाइड्रोजन बाई कार्बन का रेशियो देखते हैं केरोजेन को डिमार्केट करने के लिए कि कौन सा केरोजेन कैसा है। ये एक फिगर दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे फॉर्म कर रहा है, किस किस तरह के डिपोजिशनल एनवायरनमेंट में फॉर्म कर रहा है। तो ये लेफ्ट साइड में
आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये मेनली टेरेस्ट्रियल एरिया है और यहाँ एक लैकस्ट्राइन एरिया है जहाँ फाइटो और जू प्लैंकटॉन्स फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्म करते हैं ये फेयरली हाई वैक्स ऑयल प्रोन सोर्स रॉक फॉर्म कर रहा है और इधर लो वैक्स ऑयल प्रोन सोर्स रॉक फॉर्म कर रहे हैं, इधर हाई वैक्स ऑयल प्रोन और इधर नॉन सोर्स ऑक्सीडाइज्ड फ्लड प्रोन। तो ये जो स्वैम्पी एरिया है यहाँ कोल स्वैम्प ऑक्सिक सेल्फ वेटेड सेडिमेंट्स फॉर्म करते हैं। हमें बता रहा है कि किस तरह के एनवायरनमेंट में कैसे कैसे सेडिमेंट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये सभी मिलकर के अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर को फॉर्म कर रहा है। तो टाइप वन करोजन, टाइप वन करोजन अलगी से बनता है। यहाँ हाइड्रोजन बाय कार्बन रेशियो लगभग 1.65 होता है और हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन रेशियो 1.2 से 1.7 के बीच में वैरी करता है। इस केरोजन के मुख्य पार्ट लिपिड्स हैं जो कि ऑयल फैट्स और वैक्स एक्सेट्रा से डिराइव किया जाता है। ये अलगी जैसे कि बोट्राइकोकस एक्सेट्रा में ज्यादा मात्रा में फॉर्म करता है और जनरली हम लोग देखते हैं कि अलगी इस तरह के ऑयल सेल्स सोर्स रॉक्स और कैनल या बॉगहेड पोल्स में फॉर्म करते हैं। तो ये टाइप वन कैरोजन मेनली ऑयल यानी ऑयली लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है और टाइप टू कैरोजन जो है उसमें लिप्टिनाइट मैसल्स होते हैं जैसे तुम्हारा रेजिन्स हो गया या क्यूटिकल्स हो गया या स्पोर हो गया, ये सारे ये इंटरमीडिएट कंपोजिशन का होता है। यहाँ हाइड्रोजन बाय कार्बन रेशियो 1 से ज्यादा होता है। ये अलगी के बचे हुए पार्ट से भी बनते हैं और मेनली इसका इसको बनाने में जू प्लैंकटन्स और फाइटोप्लैंकटन्स का मुख्य योगदान होता है। तो इसका एग्जांपल कैम्ब्रिज क्ले ऑफ नॉर्थ सी एंड टेंजल सेल ऑफ अल्जीरिया है। ये जो टाइप टू कैरोजन है ये मेनली मिक्स टाइप का हाइड्रोकार्बन देता है, मतलब ऑयल भी जनरेट कर सकता है और गैस भी जनरेट कर सकता है। टाइप थ्री कैरोजन जो है वो ह्यूमिक सबस्टेंस से फॉर्म करता है यानी प्लांट मटेरियल से जैसे तना जड़ ये सभी चीजें। यहाँ हाइड्रोजन बाय कार्बन रेशियो 0.84 से कम होता है। यहाँ एलिफैटिक कंटेंट बहुत ही कम होते हैं बट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इसमें ज्यादा मात्रा में होता है। तो लिग्निन और सेलुलोज जो कि हायर रूडी प्लांट्स में मिलते हैं वो इसको बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। टाइप थ्री कैरोजन जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि टाइप वन मेनली लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करने के लिए होता है, टाइप टू को अगर थर्मल क्रैकिंग किया जाए तो उसमें मिक्स टाइप यानी लिक्विड और थोड़ा बहुत गैसियस हाइड्रोकार्बन्स भी फॉर्म करेगा, लेकिन टाइप थ्री उससे ज्यादा पैमाने पर गैसियस हाइड्रोकार्बन्स ही फॉर्म करता है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स बहुत कम थोड़ी मात्रा में हो सकता है कि फॉर्म करे। और इसका एग्जाम्पल ग्रीन रिवर फॉर्मेशन ऑफ कोलोराडो होता ऑवियोमिंग है। ये कुछ फिगर हैं जो कि टाइप वन टाइप टू और टाइप थ्री कैरोजन के लिए दिखाया गया है जिसमें उन लोगों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। टाइप वन जो कि एक अल्गल कैरोजन है, टाइप टू जो कि लिप्टिनिक कैरोजन है और टाइप थ्री जो कि ह्यूमिक कैरोजन है। ये वैन क्रेबलेन द्वारा दिया गया डायग्राम है जो कि सेली और सोनेनबर्ग द्वारा फिर मॉडिफाई किया गया है। ये इसमें हाइड्रोजन बाय कार्बन रेशियो और ऑक्सीजन बाय कार्बन रेशियो के आधार पर
टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री केरोजन को डिवाइड किया गया है। यहाँ टाइप वन को केरोजन है जो कि सेपरपेले केरोजन अलगल नेचर का होता है। यहाँ टाइप टू जो कि लिपिड रिच केरोजन है जो कि फाइटो और जो प्लैंकटन से फॉर्म करता है। और ये टाइप थ्री केरोजन जो कि ह्यूमिक केरोजन है और ये लैंड प्लांट से फॉर्म करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इधर से मैच्योरिटी लेवल इधर बढ़ती है, आउटर साइड से इनर साइड की ओर मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है, तो पहले ऑयल फॉर्म किया, उसके बाद गैस फॉर्म किया और तब जाकर के रेसिडुअल ग्रेफाइट फॉर्म करता है। ये मेरे रेफरेंसेज हैं, ये रेफरेंसेज में आप जाकर के ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं इसके बारे में। तो धन्यवाद। आप मुझे मेल कर सकते हैं mkjatunna@gmail.com पर। थैंक यू।